अभी भी तो भूकंप से भूज बर्बाद हुआ है और आप लोग ऐसा गर्मा गर्म भोजन। प्रमुख स्वामी ने भेजा है सबके लिए, और हाँ आगे भी भोजन की चिंता मत करना, उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। हाँ। अरे प्रमुख स्वामी ने बूंदी और गाठिया के साथ मिर्च भी भेजे। भैया याद है माँ भी हमें बूंदी और गाठिया के साथ ऐसे ही मिर्च दिया करती थी और कहती थी कि मीठे और नमकीन के साथ कुछ तीखा होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सच में प्रमुख स्वामी जी एक माँ की तरह हम सबका ख्याल रखते हैं। अनाज, कपड़े, दवाइयाँ, जूते, चश्मे और साथ में ये नेल कटर, तेल और कंघी भी, क्या क्या नहीं भेजा प्रमुख स्वामी जी ने। हाँ उन्होंने तो जैसे बिना घर के ही हम सबके घर बसा लिए। हाँ बस अब हमारे टूटे हुए मकान फिर से बन जाए। बन जाएंगे बाबू भाई, कई विपत्तियों में प्रमुख स्वामी जी समाज की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। देखना वो हमारे लिए भी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। देखा हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे घर और गांव बनाकर दे दिए हमें प्रमुख स्वामी जी ने। स्वामी महाराज ने घर बनाए, घर बसाए और घर घर में जलती ज्वाला को शांत भी किया। बहू हमारे घर में काम ऐसे नहीं होते हैं। मेरे घर में ऐसे ही होते हैं और यही सही है। ये घर पहले मेरा है और यहाँ मेरा तरीका चलेगा। तो आपका घर आप संभालो, मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। बहू रानी कहकर आए थे, नौकरानी बनाकर रखी आप मुझे। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ गई और तुम मेरे लिए उन्हें नहीं छोड़ सकते। कायर। अरे अरे बस सुनो तो, मैं तुम्हारा छोटा भाई और पिताजी की मिलकत पर मेरा बराबर का अधिकार है समझे। जिंदगी भर माँ बाप की सारी सेवा मैंने की तो सारी मिलकत मेरी हो। हाँ तो ले लेना, पर यहाँ नहीं अदालत में आकर। दादाजी ये आपका जमाना नहीं है कि एक साइकिल पर पूरी जिंदगी निकल जाए, मुझे मेरी खुद की मोटरसाइकिल चाहिए। अब बात करो ना पापा से। बेटा ला देंगे समय आने पर। आप हमेशा पापा की तरफदारी करते हो, मुझे कोई समझता ही नहीं है इस घर में। कहते हैं परिवार खुशियों का बाग है, पर यहां तो हर तरफ आग ही आग है। हे भगवान क्या करूं मैं, क्या इसका कोई उपाय नहीं। એટલા માટે આપણે ઘર સફાની વાત કરીએ, ઘર સફા કરવાથી શું ફાયદો છે, પણ ભેગા બેહો તો તમને મારી આત્મીયતા વધે, ભેગા ભોજન કરો તો તમારી આત્મીયતા વધે,
મન ભરવાનું કારણ શું છે? ભેગા બેસીએ તો જ આપણે એકબીજાના વિચારોની આપ લે કરીએ, એકબીજાને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ, તો ઝઘડા ઓછા થઈએ, આપણા કુટુંબની અંદર એકતા વધે. આ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, એના ઉપર ભાર આપવાનો. એટલે આપણે ઘર સભાની વાત કરી કે ઘરમાં બેસીને ભેગા બેસીને કંઈ રામાયણની વાત કરે, મહાભારતની વાત કરે, સત્સંગની વાત કરે, તો એ કુટુંબ સંપન્ન, સુખી સંપન્ન હોય, શાંતિવાળું હોય અને બધું હોય. ઘર સભા કા ઉપહાર દેકર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ને હમારે પરિવાર મેં માનો જાદુ કર દિયા. હા, અબ તો પરિવાર મેં બસ ખુશિયા હી ખુશિયા હૈ. સુનિયે, આપ નિશ્ચિત હોકર કારોબાર સંભાલીએ, પિતાજી કી સેવા મેં કર લુંગી ઓર ઘર કા સારા કામ ભી સંભાલ લુંગી ઓર બહુ મેં ભી તો હું તુમ્હારે સાથ. ભૈયા, अब बंटवारे की चिंता मत करना, पिताजी जो भी तय करे वो मुझे मंजूर है. मुझे भी, क्योंकि रिश्तों की कीमत दौलत से ज्यादा होती है. दादाजी, मुझे पापा पर बोझ नहीं बनना, साइकिल तो है ही, मैं उसी से काम चला लूंगा. देखा, इस घर सभा ने तो बच्चों के संस्कार ही बदल दिए. हाँ, एक छोटी सी घर सभा ने हमारे परिवार की बड़ी बड़ी